नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छी मुपी एवं देखा संपूर्ण खबर। बरगड़ जिला पाइकमाला ब्लक मिठापाली ग्राम से माटी कांथ पड़ी टेक्धर बरिया मृत्यु घटी। अत्यधिक वर्षा हेतु कांथ भुशुड़ी जाता फल घटनास्थल मृत्यु होता। एने पुलिस घटनास्थल में पहुंच शव को जबत करने एक अपमृत्यु मामला रुजु कर। कटक जिला महांगा और निश्चिंत कोइली अंचल रे धूमधाम रे रथयात्रा उत्सव पालन करा जाय छी। महांगार कोठोपदा उमर एवं निश्चिंत कोइली ब्लॉक जिग्निपुरर ब्रह्मक्षेत्र और असुरेश्वर दधि बामन जी रथयात्रा खूब शांति श्रृंखला सहित शेष होई। सका श्रीजीव मानकर नीतिकांत सरी धाड़ी पहंडी रथ उपरकू विजय करते रथ उपर छेरा पहरा सारी अपराह रथ टणा होता। एथिरे हजार हजार श्रद्धालु भिड़ देखा मिलता। गंजाम जिला जगन्नाथ प्रसाद ब्लॉक बाघुआ गाँवर कान्हू नायक बयस पखापाखी छ वर्ष होले से कान्हू आज लोकों टाही टापरार शिकार होता बेले देह सारा बढ़ुची लोम एमती कि सते जमी एक भिन्न मनीष भाई देखा जाता बेले मुह विकृत हो पड़ी। गोटाए पटे अर्थर अभाव अंपटे टाही टापरारे घाटी होचारा कान्हा तेरे कान्हों चिकित्सापी अर्थ बाधक साजिता बेले सरकार लोड़ पर लोके केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर ब्लॉक अंचल विभिन्न स्थान में बड़ धूमधाम रथयात्रा पालन करा धगठ और सुनापेट ग्राम से बड़ भाई बलभद्र और भौणी सुभद्रा कालिया ठाकुर रथर मिशी मौसी घर अभिमुखे बाहरी प्रथम ठाकुर को रीतनीति अनुजाई पूजा अर्चना करने भक्त मान दर्शन दे पहंडी विजय कर रथ उपरक जाते लोकों भिड़ को आखि आगे रखी कमिटी तरफ शांति श्रृंखला रक्षा करने कमिटर समस्त सदस्य और पुलिस प्रशासन तरफ कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कर। कलाहांडी जिला एम रामपुर सहर दे जाइथिबा 69 नंबर जातीय राजपथ रास्तार डाइवर्सन टी लगाण बर्षे धोई जाइछि जहाँफल जानवाहन चलाचल संपूर्ण रूपे ठप हो जाइछि। रास्ता दे भुवनेश्वर को जाउथिबा गाड़ी गुड़िक संपूर्ण रूपे ठप हो जिवा फल जातायात रे बाधाप्राप्त होइछि। 69 नंबर जातीय राजपथर एक रास्ता निर्माण कम एआरएसएस संस्था कार्य करुछि। वर्षा दिन पूर्व रास्ता कम संपूर्ण हो नपरिबारु एभली समस्या एठारे देखा जाइछि जहाँफल साधारण असंतोष देखा जाइछि। सहीपरि दुई दिन धरी लगाण वर्षा जो एम रामपुर ठारु मोहनगिरी रास्तार डम कल्लाखुंडा रास्ता उपरे पानी प्रवाहित जो जीवा आसवे बाधाप्राप्त होता खबर मिली। अंपटे लगाण वर्षा फल उपर मुंडरु पानी आसी अनेक चाष जमी जलमग्न हो पड़ी जहाँफल चाषी मानक धान गजा गुड़िक नष्ट होबार संभावना रही। भारतीय जनता पार्टी जयपुर मंडल सभापति श्री अमरलाल आहुजा नेतृत्व में लक्ष्मीपुर विधायक कैलाश कुलशिका विरोध में जयपुर एसडीपीओ को एक एतला दिया जाता। विगत दुई दिन पूर्वे लक्ष्मीपुर विधायक कैलाश कुलशिका भारतीय युव मोर्चा राज्य संपादक श्री नीलादी बिहारी पात्र को असभ्य भाषा गाली करने धमक देते विधायक भारत मान्यवर प्रधानमंत्री को गाली करते तेणु कैलाश कुलशिका विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करने भारतीय जनता पार्टी तरफ दावी। सारा विश्व श्री जगन्नाथ रथयात्रा द्वितीय भक्तों भिड़ होता बेले कलाहांडी जिलार कारुंड श्रीक्षेत्र भाव परिचित एम रामपुर ब्लक काडेल ठारे तृतीय दिन में रथयात्रा भक्तों प्रबल भिड़ हुए। द्वितीय दिन ठाकुर रीतनीति अनुसार पूजा अर्चना करने रथारूढ़ कराए। यह स्थानीय सबुज बनानी और पहाड़ घेरा मध्य थवर तृतीय तिथि होता रथयात्रा बहु भक्तों समागम हुए। तीन ठाकुर को तीनोटी रथ में बसाई मौसी घर को निया जाए। वज्रघात दुई भाई मृत्यु मृतक मैंने कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर गोछा डेगेन ग्राम पंचायत अंतर्गत डुबेन सुडा ग्राम श्रीकर माझी और विश्वकर्मा माझी बिलक तली पकईवाक जाता बेले वर्षा पवन आसीला तेब एक गछ मूले आश्रय नवा समय हठात वज्राघात होता फल दुई भाई घटनास्थल में मृत्यु होता।
केन्दुझर जिला पाटना ब्लॉक अंतर्गत मलिपोषी ग्राम रे चलित वर्ष ठारु प्रथम करी रथयात्रा अनुष्ठित होतिबा बळे मलिपोषी रो एही रथयात्रा दुईटी कारण रु केन्दुझर जिला ओ समग्र ओडिसा रे द्वितीय स्थान दखल करिछि। एठारे तीनोटी सदृश्य उच्च रथ निर्माण होइथिबारु केन्दुझर गडर प्रसिद्ध बलदेव जीवंक रथयात्रा परे मलिपोषी रथयात्रा द्वितीय स्थान रे रहिछि। मलिपोषी रथयात्रे पछिकोट राजवंशक रवि नारायण सिंह तीन रथर छेरापहरा करिछन्ति। मुख्य पूजक नारायण चंद्र दास और क्षीरोद चंद्रक प्रत्यक्ष तत्वावधान में तीन ठाकुर पहंडी विजय पर मलिपोषी रथयात्रा अनुष्ठित होइछि। कोक्सराठारे प्रभु कुंज बिहारी घोषयात्रा महासमारोह पालित होता बेले सकाळ श्रद्धालु मानक भिड़ लागि रहिथिला। रीतिनीति अनुसार दिन तीन घंटा समय पहंडी विजय सह ग्रामर गौंतिया द्वारा छेरा पहरा कार्यक्रम होता बेले संध्या पांच घंटू रथटणा होता दर्शन करने प्राय 5,000 भक्तों समागम होता। महांगा मधुपुर पंचायत दोबंदिया ग्राम से बाहाघर भोजी खाई 40 ऊर्ध झाड़ा बांधि आक्रांत होती चिकित्सापाई विभिन्न हस्पिटाल भर्ती करा कर तेज क्यों कारण परिस्थिति उपजीला ताजा अस्पष्ट रही। गंजेई चालाण करुथिबा अभियोग रे खरिया रोड पुलिस दुईज को गिरफ्त करिछि। सेमानक पाखरु एक स्कूटी सहित 1 kg 600 ग्रामर गंजेई जबत करिछि। गिरफ दुईज हेले खरिया रोड पटेल नगर र अब्दुल मजिद और शंकर मंदरपड़ार मुना खान। एने पुलिस केस रुजु कर उभय को कोर्ट चालाण करिछि। नुआपड़ा एनएससी तरफ रथयात्रा उपलक्षे स्वच्छता सचेतनता रथ बाहरी। एनएससी प्रशासक तराणी सेशन नायक मुख्य अतिथि भाव में जोगद सचेतना रथ को पताका देख शुभारंभ करते आसंता सेप्टेम्बर 15 तारीख सुधा एनएससी को बाह्यमुक्त करने को धार्य कर उक्त तारीख पर जो मैंने बाह्य मल त्याग करेंगे से मानु 50 टंका जोरीमाना आदाय करा को निष्पत्ति मध्य निया। रथ एनएससी रा समस्त वार्ड बुली लोकों को सचेतनता करिवो। प्रति वार्ड रे स्वच्छ पई कम्युनिटी पायखाना निर्माण करा जिवो। जो व्यक्ति घरे पायखाना नहीं से माने एनएससी रे आवेदन कले पायखाना जगाई दिया जिवो बोली एनएससी ईओ रामचंद्र माझी प्रकाश करथिले। एही कार्यक्रम रे एनएससी प्रशासक तरणी सेना नायक समेत समस्त वार्ड रा काउंसलर प्रमुख उपस्थित थिले। यार असल उद्देश्य है आम जो राज्य सरकार आम नुआपड़ा एनएससी को 15 सेप्टेम्बर 15 सुधा खोला शौच मुक्त सहर भाव घोषणा करने को लक्ष्य धार्य कर ये परिप्रेक्षी में आम एनएससी तरफ प्रत्येक वार्ड को आम जो स्वच्छता रथ जा बुल घरे घरे बार्ता पहुँच सब लोक आउ बाहर को न जाकर खोलार मल त्याग न करे स्वतंत्र भाव में पायखाना या पायखाना तैयारी प्रोत्साहन राशि दि जाऊँच जो जो लोक मैंने चाहूँ से आसिक आम एनएससी को जोजोग कर 8,000 टंका बीपीएल परिवार 8,000 टंका सहायता नहीं पायखाना निजे करेंगे अन्यथा निजे आवरी निज तरफ पैसा किसी जोगाड़ करल भाव कर। गोटे परिवार रो बापा माँ और पुओ को मरणातक आक्रमण को एक मास पूरला हेले धरा पड़े ना अभियुक्त। महांगा थाना अंतर्गत बेगुनियापदा गाँवर दिलीप दास और स्त्री बीबी दास और पुओ नलिनी दास गत मास 15 तारीख संध्यार होता मरणातक आक्रमण। दिलीप और पुओ नलिनी हाथ को हाणी दि जाता बेले माँ बीबी दास बाम गोड़ संपूर्ण रूपे छिंडी जाता। गत पंचायत निर्वाचन को केन्द्र कर गाँवर शैलेन्द्र गुरु और सान भाई धीरेन्द्र गुरु यह मरणातक आक्रमण कर उभय आक्रमणकारी एठार चोरा मद माफिया तेणु भयर गाँ लोक मुह खोलुना उभय आक्रमणकारी फेरार हो जाता बेले महांगा पुलिस एक टीम करने साइंटिफिक टीम सहायता नहीं हेले बहु आडंबर में लघुक्रिया सदृश फल सुन परिवार लोके एबे भयरे घर छाड़ी बाहर रहउछंती। पुलिस थारु न्याय और सुरक्षा नपाई आकुल लिखित निवेदन करिछंती भारत सर्वोच्च न्यायालय मुख्य विचारपति और ओडिशा हाईकोर्ट प्रधान विचारपति। न्याय पाइबु सेठी सुप्रीम कोर्ट जिलापा कलेक्टर आउ डीएसपी एसपी केमी आम को साय करें चाहूँ
ଆମକୁ ଆଉ ଫେରା ମାସ ଆମେ ଧରା ହବ କେମିତି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ଚାପୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଭାଇ ସବୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡାମି କରି ଏମିତି ହଣା କଟା କରି ଘରେ ଘରେ ପଶି କର୍ମ କରି କେତେ କେସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଲାନି ତା ନାଁରେ ଦୋଷୀ ଧରା ହଉନି ତା ବଳ ଭାଇ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି ପୋଲିସ ଆମକୁ ଧରୁନି ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ବି ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଫେରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ବି ଆଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଏ ଆଉ ଘଟଣା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଷଡ଼େନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଗୋପ ବାବୁନା ସମସ୍ତେ ସେ ଫେରାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଧରୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଚାପରେ ତାକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ ବି ଠିକ ନାହିଁ ଆମର କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପୁଣି ଅଟୋରେ ପ୍ରସବ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଦବଜା ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମର ଜଗଦାନନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ମୁଣ୍ଡା ଆଜି ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଆଶା ମାଆକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଆଶା ଦିଦି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ 102କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଟଣା ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଟୋ ଭିତରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ଆଶା ଦିଦି ପାଟଣା ମେଡିକାଲରେ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଓ ରଥଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଉଜଖାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଭଳି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ହାଉଜଖାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀ ମହାନଗରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରିଛି ତେବେ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ରଥରେ ବସି ମାଉସୀ ମା ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମିଟି ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର